जिले में रेत खदानें बंद होने से ट्रैक्टर ट्रॉली संचालकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कोरोना संकट काल में बैंक से लिए गए लोन की किस्त चुकाना मुश्किल हो गया है, तो वहीं खदानों पर आश्रित हजारों मजदूरों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इन समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर यूनियन के लोगों ने जमकर नारेबाजी कर और प्रदर्शन किया। यूनियन की मांग है कि जिले की बंद रेत खदानों को चालू किया जाए। यूनियन के लोगों की माने तो जिले भर में लगभग 400 ट्रैक्टर रेत खदानों में चलते हैं। इसी से ट्रैक्टर मालिकों और मजदूरों के घर का गुजारा होता है। खदान बंद होने से आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। ट्रैक्टर की किश्त नहीं देने से बैंक वाले लगातार दबाव बना रहे हैं। किंतु जो ये रवैया आया कि हमको इस टाइप से बताया जा रहा है कि अब न तो मशीन खोदेगी न मजदूर खोदेंगे, किसी हालत उनको दो रोटी का सम्मान मिलता था, अब उनकी हालत खराब है। लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए, भूख से उनकी हालत खराब है। सरकारी जमीन